अब हम बनाएंगे कॉर्न कबाब्स। ये बनाने में आसान और खाने में तो एकदम बढ़िया। तो चलो झटपट बनाएं हम कॉर्न कबाब्स। इसके लिए हमें चाहिए बहुत कम चीज़ों में ज़रूरत पड़ती है। ये है कॉर्न, मकाई आप जो बोलते हैं, ये है शिमला मिर्च, ये है नमक, चावल का आटा और हरी मिर्च। बस ये पांचों चीज़ चाहिए अपने को। तो चलो हम चालू करते हैं बनाने की। पहले हम कॉर्न को किस में डालेंगे? मिक्सी में डालेंगे और उसको हम पूरा नहीं पीसेंगे, थोड़ा कम पीसेंगे। देखिए कितना झटपट बनता है ये। उसको अच्छी तरह से हिला के, अरे कोई दाना अच्छी तरह नहीं पीसा तो चलेगा, क्योंकि अखा दाना भी इसमें देखने में अच्छा लगता है। अभी अंदर हम डालेंगे नमक, शिमला मिर्च। कॉर्न की कोई भी सब्जी बनाएंगे, कबाब बनाएंगे, कुछ भी बनाएंगे, शिमला मिर्च उसके साथ बहुत ही बढ़िया लगता है। तो हमेशा याद रखना कि कॉर्न के साथ शिमला मिर्च जाएगी तो अच्छे अच्छा स्वाद। हरी मिर्च, अभी हमने एक कॉर्न निकाला, उसके अंदर अंदाज से आधा कप 3 or 4 टेबलस्पून ऑफ शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, और हरी मिर्च 2 या 3 लो, जिसको इतना आपको तीखा चाहिए इतना। तो हरी मिर्च और नमक स्वाद अनुसार, और बाद में हम क्या डालेंगे? चावल का आटा। चावल का आटा डाल रहे क्योंकि उससे वो बंधेगा, क्या हो जाएगा, उसको कबाब को होल्ड करेगा। तो अभी हम डाल रहेंगे चावल का आटा। वो चावल का आटा शायद कभी एक चम्मच कम और एक चम्मच ज़्यादा भी लग सकता है, ये कॉर्न में कभी ज़्यादा पानी कभी कम पानी आ गया उसके हिसाब से। तो अभी मैं डाल रही हूँ चावल का आटा, 2 टेबलस्पून डाले। अभी मैं देखती हूँ कितना कैसे बनता है। देखिए अभी हम मिक्स कर रहे हैं। पीला और हरा रंग कितना अच्छा दिखाई देता है, ये देखिए। अभी इसके हम क्या बनाएंगे? छोटे छोटे गोले, और उसको दबा देंगे। बस ऐसे छोटे छोटे गोले बनाने का और थोड़ा सा दबा देने का। देखो कितना बनाने में आसान है ना, कोई टाइम नहीं लगता और फटाफट हो जाता। और आप ये कॉर्न है ना, आप डीप फ्रीजर में भी रख सकते हैं, बस थोड़ी देर पहले निकालो, और माइक्रोवेव होगा तो माइक्रोवेव, नहीं तो बाहर ही रख दो और अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो बाहर रखोगे तो कम से कम 1 घंटा बाद, और फिर आप कॉर्न का देखिए बन गया है ना। अभी हम उसे तलेंगे। इसे आपको तलना नहीं चाहिए तो आप तवे पे भी ब्रेड क्रम पे थोड़ा लगा के उसको तवे पर भी सेक सकते हो, वो बहुत थोड़ा कम तेल देके। किसी को तला तली हुई चीज़ पसंद नहीं होती है, पर सच्ची बात बताऊँ तली हुई बहुत अच्छी लगती है खाने में। आपको जो चाहे वो पसंद पाए वो आप कीजिए। देखो अभी बढ़िया कॉर्न होने लगा। अरे कभी भी एक साथ 10-15 मत डालिए, वो कभी अच्छी तरह तलेगा नहीं और उसका कलर भी नहीं अच्छा आएगा। ये देखिए कैसे गुलाबी हो गया, देखा ना कलर,
बढ़िया कलर हो गया ना, बस अभी ये बन गया आपने। एक बात और याद रखनी चाहिए, अपने को जो चीज़ तलने की होगी ना, वो ऐसा उसका मुंह बड़ा चाहिए ऊपर से, तो क्या होएगा तो तलना एकदम आसान हो जाता है और तेल भी थोड़ा कम लगता है। देख लिया आपने कैसे बनता है कॉर्न कबाब। अब हम बनाएंगे फुदीने की चटनी। तो फुदीने की चटनी के लिए हमें चाहिए फुदीना, हरा धनिया, शक्कर, हरी मिर्च, अदरक, नमक और थोड़ा सा दही। तो अब हम चालू करें। ये है 1 कप फुदीना और अंदर डालेंगे फुदीने को। अच्छी तरह धोना मत भूलिए, हाँ, फुदीने को धोने की बहुत ज़रूरत है। और हरा धनिया डाला हमने। अब डालेंगे नमक, नमक तो स्वाद अनुसार, नमक और डालेंगे शक्कर। चटनी में शक्कर की हमेशा ज़रूरत रहती है, तो 1 चम्मच, ये आधा चम्मच है इसलिए मैंने 1 चम्मच डाली शक्कर और अदरक, वो भी आधा चम्मच, ये आधा चम्मच है तो आधा चम्मच में अदरक ले रही हूँ। और हरी मिर्च, हरी मिर्च आपको जितनी चाहे, भाई छोटी में हरी मिर्च होती है ना वो ज़्यादा तीखी रहती है और बड़ी हरी मिर्च रहती है ना वो कम तीखी रहती है, तो ये हरी मिर्च ज़रा समझ के डालने के, नहीं तो फिर आपकी चटनी ज़्यादा कभी तीखी भी ना हो जाए। तो ये है अपनी हरी मिर्च। दही, दही है ना आधा कप, हाफ कप, जितना चाहिए इतना ले सकते, पर मुझे लगता है पहले से आप 1/4 कप से डालो और फिर बाद में देखो तो आपको ज़्यादा चाहिए, अराउंड 2 to 3 tablespoons दही। तो ये रहा अपना दही और बस हो गया। बस उसको अच्छी तरह ये बन गई हमारी फुदीने की चटनी। देखो कितना बढ़िया हरा कलर है। ये हो गए अपने कॉर्न कबाब। कितना आसान है देखिए, देखने में कितने सुंदर है। कॉर्न कबाब्स बनाने के लिए हमें चाहिए स्वीट कॉर्न कर्नल्स 2 कप, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च 4 बड़े चम्मच, बारीक कटी हुई हरी मिर्च 2, चावल का आटा 2 बड़े चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, तलने के लिए तेल, परोसने के लिए पुदीने की चटनी। मास्टर शेफ।